आप लोग आज आप कविंदर गुप्ता से मिलने आए थे, क्या आप लोगों का कहना है और क्या आपकी अपील है? सर, कविंदर गुप्ता साहब ने हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि जिससे हमारा कोई मसला हल हो सके। उन्होंने बोला आप डिम काम के दफ्तर जाओ और वहाँ पे आप बैठो, आधा घंटा बैठो। ये तो धरने वाली बात है, वो खुद बोल रहे हैं आप धरना लगाओ। उन्होंने खुद बोला कि आप धरना लगाओ, डिप काम के दफ्तर के बाहर बैठो और वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम दिखाओ। कभी इसको फोन, कभी उसको फोन, हमारी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है हम किसी के पास नहीं अब जाएंगे, हम सीधे प्रोटेक्ट करेंगे, पुल बंद करेंगे, सारे बैंड जूनियर जो है एकता के साथ पुल बंद करेंगे और हम किसी को स्कूल में नहीं आने देंगे। क्या बस हो, ऑटो हो, जो भी हो, हम किसी को स्कूल में नहीं अंदर जाने देंगे। अगर हम बेरोजगार हो गए तो हम किसी को भी जहां से नहीं जाने देंगे। भी अपनी बात रखी थी, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक वालों ने एक रूल निकाला है कि हम सोमवार से 17 तारीख से हम ये गाड़ियां जो हैं सारी सील्स कर देंगे। उन्होंने हमें ये नहीं बताया किस लिए सील करेंगे। क्या हम चर्स बेच रहे हैं? क्या हम कोई इधर उधर का काम कर रहे हैं? हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उनको ये हमारी रोजी रोटी का मसला है, चल रहा है। एक बच्चे के साथ एक अगर गाड़ी वाला आता है, उसके पीछे पांच बंदे खाना खाने वाले हैं, अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार हमें बचता है तो इस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इस ट्रैफिक वाले को क्या प्रॉब्लम है? अगर उन्होंने हमें बोला कि अगर 10 बच्चे हम उठाते हैं, उन्होंने क्या आपको कोई विकल्प दिया है क्या करना है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं सर, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। इन्होंने पहले रूल निकाला था कि एक मिनट, इन्होंने पहले रूल निकाला था कि आप पट्टियां पीली करो। सर मैंने की, ये मेरे भाई काफी बंदे हैं जिन्होंने की है और काफी बंदे जिन्होंने नहीं की। मैंने की, मेरे को पकड़ा बामने बड़ी में, उन्होंने पूछा कि आपने ये पट्टी क्यों की पी ली? हमने बोला सर रूल निकला है। उन्होंने मेरे को 2500 रुपये चलान किया, फिर उन्होंने मेरी पट्टी बाहर दी। 2 दिन के बाद मेरे को इधर गांधीनगर में पकड़ा, उन्होंने बोला पट्टी क्यों नहीं लगाई? फिर मैंने किसी को फोन किया, उन्होंने पा के, उन्होंने बोला यार छोड़ो, इन लोगों का ये हाल है। अभी फिर बोलते हैं कि शायद पट्टियां पीली करो, ये करो वो करो। हमें ये समझ नहीं आती हम पीली पट्टियां करें या ना करें। ना करें, हमको कुछ तो बताए ना, हमको छोटे छोटे बच्चे हमारे। क्या कह रहे हो सर? इन्होंने हमें कोई, मेरा नाम गगनदीप सिंह है सर। सर इन्होंने हमें कोई इंटीमेट नहीं किया, जैसे ही हमारी छुट्टियां खुली इन्होंने वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद यहाँ पे आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी। हमें कुछ ना कुछ इंटीमेट करना चाहिए, हमें कोई मौका देना चाहिए सर, टाइम देना चाहिए कि हाँ आपको एक साल का टाइम दिया जा रहा है, इसके बाद आपने अपना देख लीजिए कुछ। सर हमने कुछ इंटीमेट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया सर, हम एकदम से कैसे बंद कर दें? हमारा रोजी रोटी सर इसी से चल रही है, हमने गाड़ियों की किस्तें यहाँ से देनी है, घर बार यहीं से चलाना है सर, बच्चे देखने, हर चीज हमने यहाँ से देखनी है। तो अगर ऐसे हम बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सर। हम ऐसे गवर्नमेंट कहती है कि सर आपको हम जॉब्स नहीं दे सकते, आप कुछ अपना काम करें जिससे आप और भी लोगों को अपने एम्प्लॉय कर सकें। सर मैंने अपनी 2 गाड़ी डाली है,
तो उसमें आपको मैंने किसी और को एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो मतलब किसी की रोजगार भी लगाई हुई है। तो सर ये चीज़ अगर हम एकदम से बंद कर देंगे उसका रोजगार भी टूटेगा मेरा भी टूटेगा सर, तो ऐसे तो हमारा बिल्कुल सर हम बंद हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे सर। तो सर इसलिए कुछ ना कुछ हल ढूंढना चाहिए हमारी इस चीज़ का। सभी स्कूल वैन ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आज ये लोग यहाँ पर कविंदर गुप्ता के घर पर आए और अपनी जो है इन्होंने डिमांड रखी। आप ये देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इन लोगों को कोई ना कोई और रोजगार ज़रूर मिले ताकि ये अपना जो है व्यवसाय आगे चला सकें। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए।